हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 13 तक के कंप्लीट प्रोविजंस को पढ़ लिया है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 13 जो बेसिकली डाइवोर्स और उससे जुड़े प्रोविजंस के बारे में बात करता है उसके बारे में डिटेल में हमने बात किया। हमने एक सेपरेट लेक्चर में आपके बेयर एक्ट में डाइवोर्स से जुड़े हुए जो भी लीडिंग केसेस हैं उसे हमने समझा। तो ओवरऑल अब तक हमने डाइवोर्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को विथ लीडिंग केस लॉज समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्शन से विच इज सेक्शन 13A जो कि बात करता है अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, राइट। तो एक बार फिर से अगर हम अपने अब तक के सेक्शंस को रिकॉल करें तो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन्हें हमने अब तक कवर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 जो कि बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है जो कि बात करता है गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज। 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। 10 जुडिशियल सेपरेशन। 11 वॉइड मैरिज। 12 वॉइडेबल मैरिज। 13 डाइवोर्स। 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो अब तक हमने इन सभी सेक्शंस को डिटेल में कवर किया है अपने बेयर एक्ट से लाइन बाय लाइन। तो अगर आपको इन सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन में डाउट है तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, राइट। तो सेक्शन 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो ये सेक्शन क्या कहता है? इन केस हस्बैंड एंड वाइफ हैज फाइल्ड डाइवोर्स पिटीशन। अगर हस्बैंड और वाइफ ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रखा है तो हम जानते हैं कि जब हम सेक्शन 13 के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में बात करेगा, यानी वन साइडेड डाइवोर्स इधर बाई हस्बैंड और बाई वाइफ। वहीं सेक्शन 13B बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी सेक्शन 13B में दोनों पार्टीज राजी होते हैं कि एक साथ आपसी समझ बूझकर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे और दोनों रेडी हैं डाइवोर्स लेने के लिए। तो सेक्शन 13A कहता है कि जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट अदर और कल ही डाइवोर्स की डिक्री आपको मिल जाए। एक लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, और डिक्री आने में साल, दो साल, तीन साल लग सकता है। तो ये जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग है जो ऑन गोइंग है, तो फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स मिलने से पहले हमारे पास क्या अल्टरनेट रिलीफ अवेलेबल है जो कि हम कोर्ट से ले सकते हैं। व्हाट इज द अनदर ऑप्शन अवेलेबल टू द पार्टी व्हिच द पार्टी मे सीक बिफोर ऑब्टेनिंग फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स। इसी के बारे में बात करता है सेक्शन 13A।
तो बेसिकली एन अदर ऑप्शन, व्हाट इज द अनदर ऑप्शन, अवेलेबल ड्यूरिंग डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, राइट? तो क्या कहता है ये सेक्शन, आइए समझते हैं। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 13A कहता है इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रोसीडिंग्स ऑन अ पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई डिक्री ऑफ डाइवोर्स, तो इस अधिनियम में कोई प्रोसीडिंग्स जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पिटिशन से रिलेटेड है, और यहां पे जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा वो डिक्री ऑफ डाइवोर्स के तहत होगा। आगे कहता है एक्सेप्ट इन सो फॉर, उस स्थिति को छोड़कर, उस सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, उन सिचुएशंस को छोड़कर, एज द पिटिशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड्स, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को छोड़कर जहां जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का पिटिशन है वो उन ग्राउंड्स के तहत फाइल किया गया है जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 6 एंड 7 में मेंशन है, उन्हें छोड़ करके द कोर्ट मे इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट टू डू सो, कोर्ट को अगर ऐसा मालूम पड़ता है या कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि अभी के लिए इट इज जस्ट एंड प्रॉपर, अभी के लिए इट इज रीजनेबल कि कोर्ट केसेस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, यानी वो जो पिटिशन फाइल किया गया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, उस पिटिशन के केसेस को देखते हुए, उस पिटिशन के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के बजाय डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन पास कर सकती है। यानी अगर हम और भी सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सेक्शन 13A सिंपल ये कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग्स हैं और ये जो प्रोसीडिंग्स है ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का प्रोसीडिंग है, और ये जो मैरिज का डिसोल्यूशन होगा वो डिक्री ऑफ डाइवोर्स के तहत होगा, बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस पिटिशन के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने से पहले अगर कोर्ट को रीजनेबल लगता है, कोर्ट को ठीक लगता है, उचित लगता है, तो कोर्ट डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के बजाय जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकती है, और ये एक अल्टरनेट रिलीफ मिल जाएगा पार्टीज को कि पार्टीज डिग्री ऑफ डाइवोर्स लेने से पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकती है, एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, न्यायिक पृथककरण की डिग्री ले सकती हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है और उस डाइवोर्स पिटीशन में जो ग्राउंड मेंशन किया गया है वो ग्राउंड है सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज 2, क्लॉज 6 या क्लॉज 7। तो अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत और उसमें जो ग्राउंड बताया गया है वो ग्राउंड सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के क्लॉज 2 का ग्राउंड है या क्लॉज 6 का ग्राउंड है या क्लॉज 7 का ग्राउंड है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट
जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं पास करेगी बल्कि सीधे डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगी। तो आइए समझते हैं कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 धारा 13 उपधारा 1 खंड 2 क्या कहता है कि आइदर पार्टी टू द मैरिज हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अपने हिंदू धर्म का त्याग करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिया हो, तो अगर ये बेसिस है डाइवोर्स पिटीशन में, इस बेसिस को मेंशन किया गया है, तो यहां पे कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगी, ना कि डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास करे, राइट। क्लॉज 6 क्या कहता है, हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू अनदर रिलीजन। ईदर पार्टी हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, पति या पत्नी में से कोई एक ने इस संसार का त्याग कर दिया है, वो संत या सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 क्या कहता है, ईदर पार्टी टू द मैरिज हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू अनदर रिलीजन। हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक इस संसार का परित्याग कर दिया है, वो संत या सन्यासी हो चुका है, और अगर इसे डाइवोर्स पिटीशन में ग्राउंड की तरह बताया गया है, तो यहां पे कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करने के बजाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करेगी, राइट। और तीसरा जो क्लॉज है विच इज क्लॉज 7 क्या कहता है, आइदर पार्टी टू द मैरिज हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर पीरियड ऑफ 7 इयर्स और मोर। पति या पत्नी में से किसी एक का पिछले 7 या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, 7 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, और उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो जीवित है या नहीं, कि वो किस अवस्था में है, और इवन उसके बारे में उसके रिलेटिव्स को भी कुछ पता नहीं है, तो अगर ये ग्राउंड वाइफ ने मेंशन किया है ऑन द पिटीशन ऑफ डाइवोर्स, तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं पास कर सकती है, कोर्ट पास करेगी डिक्री ऑफ डाइवोर्स। या अगर हस्बैंड ने इस ग्राउंड को मेंशन किया है कि उसे उसकी पत्नी के बारे में पिछले 7 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है और उसे कुछ पता नहीं है कि वो कहां है, किस हाल में है, और पति अगर ऑन द पिटीशन ऑफ डाइवोर्स इस ग्राउंड को मेंशन करता है, तो सिमिलरली पति को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वाइफ हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर पीरियड ऑफ 7 इयर्स और मोर। तो यानी इन 3 क्लॉजेस में पार्टी को जुडिशियल सेपरेशन एज अल्टरनेट रिलीफ नहीं मिल सकता है, तो दीज आर एक्सेप्शंस, लेकिन बाकी केसेस में कोई भी ग्राउंड अगर मेंशन है और अगर कोर्ट को केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस समय के लिए अगर ये उचित लगता है, रीजनेबल लगता है, तो फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने से पहले कोर्ट एक अल्टरनेट रिलीफ दे सकती है पार्टी को इन फॉर्म ऑफ पासिंग डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, राइट। तो ये था सेक्शन 13A का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे हमने बेयर एक्ट से लाइन बाय लाइन समझा। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस छोटे से सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इस सेक्शन को कभी नहीं भूलोगे। तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डाइवोर्स
बाई म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।